तो आशु जी ने अपना ट्राइग्लिसराइड 300 से घटाकर 94 कर लिया, वो भी जस्ट 2 महीने में, और कोलेस्ट्रॉल भी इनका 197 से 140 हो गया है, और इनका HDLB जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है हाई डेंसिटी वो भी बढ़ गया है। तो कैसे क्या इन्होंने ये सिर्फ 2 महीने में, मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, सारी रिपोर्ट आपके पास है और इनसे बात करेंगे। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा, माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो देखिए, मैं सारी रिपोर्टें लेके आए हैं आशु जी मेरे पास, बड़े परेशान थे जब ये पहले मेरे पास आए थे जुलाई 2023 को ही मेरे पास आए थे और अपनी एक रिपोर्ट लेकर आए थे। पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूं, है ना, आप लोग कुछ लोग बोलते हैं ना कि ऐसे बोल रहे हो, सबूत दिखाओ, तो ये सबूत दिखा देते हैं। जल्दी आ जाइए, आगे थोड़ा कैमरा लाओ। तो इनको ये 3 साल से प्रॉब्लम थी ट्राइग्लिसराइड की, है ना। तो देखिए, 3 साल पहले से आप देखिए, इनका ये जो है 21 जून 2022 को आशु जी ने इनका जो कोलेस्ट्रॉल था 207 और 266 इनका था ट्राइग्लिसराइड, जो 150 के नीचे होना चाहिए, और ये 200 के नीचे होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल, जितना कम हो, 100 के आसपास रहे तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये जून 2022, इनफैक्ट इससे पहले ये अक्टूबर 2021 में देखिए इनका जो कोलेस्ट्रॉल था 184, ट्राइग्लिसराइड 279। अब उसके बाद जो मेन कंसर्न जब ये हमारे पास आए, वो रिपोर्ट देखिए, ये है जुलाई की, 19 जुलाई 2023, ये देखिए 19 जुलाई 2023, इनका जो कोलेस्ट्रॉल था वो है 197 और ट्राइग्लिसराइड है 300, जो 150 से नीचे होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ये आपके हार्ट के तो बहुत बड़े दुश्मन होते हैं, हार्ट से संबंधित समस्याओं में बहुत, ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, इनकी वजह से बहुत समस्याएं होती है हार्ट में। तो ये दो प्रॉब्लम थी इनकी, मेन कंसर्न था इनका ट्राइग्लिसराइड। अब रिसेंट रिपोर्ट देखिए, जिसकी वजह से इतने खुश हैं, वो कंपेयर कर लीजिए। ये अब इनकी जो रिपोर्ट है देखिए, 19 जुलाई 2023 के बाद 17 सितंबर 2023, मतलब 2 महीने, 17 सितंबर 2023, 19 जुलाई 2023, 2 महीने के अंदर अंदर इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो तो 140 हो गया। ये देखो, ये 140 हो गया, पहले 197 था दिखाई दिया है, और ये ट्राइग्लिसराइड देखो, ये हो गया 94, ये रहा 94, ये देखिए, और ये जो 300 था पहले, ये कैसे हुआ, इसके बारे में बात करेंगे अब हम। चलिए कैमरा सही से लगाइए, बात कर लेते हैं आशु जी से। तो ये हमारे पास आए थे, काफ़ी परेशान थे आशु जी। जी अभी कैसा लग रहा है आपको? अब बहुत रिलैक्स लग रहा है, जब ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था बहुत डरावना था। अच्छा, तो जैसे आपने देखे अपनी रिपोर्ट के यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड 300 आ गया है, कोलेस्ट्रॉल तो लगभग ठीक था, पर इससे भी कम हो जाए ये हर कोई चाहता है, तो आपको कैसा लगा उस टाइम पर? डर इसीलिए लगा क्योंकि 3 साल से मैं जितने बार भी टेस्ट करा रहा था ये हमेशा ट्राइग्लिसराइड हाई आ रहा था, और ट्राइग्लिसराइड मैंने जहाँ तक पढ़ा है और सुना है, डॉक्टरों से मिला हूँ, तो हमेशा यही रहता था ट्राइग्लिसराइड बहुत डेंजरस होता है हार्ट के लिए, प्लस अभी हार्ट से रिलेटेड इतनी सारी न्यूज़ में भी सुन रहा हूँ, तो वो बहुत डेंजरस होता जा रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कैसे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको कम करने के लिए आपने कोई दवाई वाई खाई कैसे? नहीं, कैसे कोई दवाई नहीं खाई, मैं लहसुन की वो 2 दाने खाता था। हाँ। तो वही अभी खाली पेट में खाता हाँ, था। हाँ, इसके बारे में हम बात करेंगे, ये कैसे कम किया, फिर आपने क्या क्या किया लाइफ में, अपने क्या क्या चेंजेस किए? तो हमारी आपस में हमारी बात हुई, आप हमारे पास आए, मैंने आपको योग अभ्यास बताया, मैंने बताया कि आप योगिक डाइट को फॉलो करिए, उसने उस आपने उसको अपनाया, उसमें क्या क्या किया सुबह से लेकर, सभी लोग जानना चाहते हैं क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं इससे, बहुत डर जाते हैं लोग, बहुत परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में भी चले जाते हैं काफी लोग, तो थकान रहने लगती है ना। तो आप ये एक बार जरा लोगों के सबके लिए अपना जो आपने फॉलो किया इन 2 महीने में, आपने इतने अमेजिंग रिजल्ट्स लिए हैं, वो एक बार सुबह से लेके शाम तक आप क्या खाते थे ये बता दो। सबसे पहले सो के उठते ही आप क्या खाते थे, कैसे करते थे? सबसे पहले सो के उठकर मैं वही लहसुन के 2 दाने खाता हूँ, पानी वगैरह पी लिया, उसके बाद मैं योगा करने चला जाता हूँ। ठीक है, फ्रेश होके एक हाँ। एक घंटे सवा घंटे जो भी योगा हाँ, क्लासेस की है आपके साथ हाँ। उसके बाद फिर करके आके मैं थोड़ा रिलैक्स करके फिर पोहा वगैरह या जो भी मतलब तेल से रिलेटेड चीज़ें अवॉइड करता था, जैसे पराठे हो गए, ये हो गए, तो पोहा हो गया,
कभी इडली डोसा टाइप वाली चीज़ें जो भी साउथ इंडियन जिसमें तेल ना के बराबर रहे वैसी वैसी चीज़ें मैंने खाना शुरू किया। अच्छा, ये इनिशियली सबसे पहले ब्रेकफास्ट में ये हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर दोपहर को मैं जनरली घर की चीज़ें ही खाता था, लेकिन दाल चावल, दाल की मात्रा थोड़ी प्रोटीन इंटेक के लिए आपने बताया था तो मैंने बढ़ाया था। उसके बाद फ्रूट्स वगैरह ये एक बार कर लिया, फिर रात को भी नॉर्मली रोटी या मतलब दूध पी लिया या रोटी खा लिया, इस तरीके की नॉर्मल चीज़ें खाई। लेकिन मैं बस इतना करता था कि 7 बजे या 7:30 से पहले मैं खाना खा लूँ। 7:30 से पहले आप खाना खा लो, रात को ज़्यादा नहीं खाते थे। और ओवर ईटिंग के लिए? ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं। मैं जहाँ 3-4 रोटियाँ खाता था मैं 2 पे लिमिट हो गया हूँ, और 2 से ज़्यादा मतलब मैं ना के बराबर खाता हूँ। बाहर का भी मतलब नहीं खाता हूँ अभी फिलहाल। हाँ, बाहर का खाने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, घर पे बना हुआ खाना अच्छा होता है। तो देखो, जैसे हमारी बात हुई थी तो हमारी बात ही मैंने आपको बताया था कि ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ाने का काम होता है वो क्या करता है? तेल। तेल मतलब जितनी भी चीज़ों में तेल है, अब तेल जिस भी चीज़ में है, ड्राई फ्रूट्स में तेल होता है, सरसों में तेल होता है, नारियल में तेल होता है, मतलब ट्राइग्लिसराइड बढ़ाने का काम किसका है? तेल का। मैंने इतना सिंपल इनको समझा दिया था। अब आपकी जो मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, आप क्या खाते थे? एक सबसे अच्छी सबसे ज़्यादा नॉनवेज मैं खा लेता था, नॉनवेज खाते थे, काजू जो सबसे बड़ा था, काजू, ये काजू बहुत खाते थे, उसमें भी तेल होता है बहुत ज़्यादा। तो जिन चीज़ों में तेल होता है अगर वो खाते रहोगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड कम नहीं होगा। और अगर आपको अपना कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो आपको एनिमल प्रोडक्ट हटाने पड़ेंगे, एनिमल आपका कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो इस तरह से आशु जी ने अपना सुबह सुबह लहसुन लिया, फिर दोपहर में उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट में उन्होंने अपना बिना तेल की मतलब बहुत कम तेल हो या तेल पूरी तरह से अवॉइड कर दें तो बहुत ही बढ़िया, वो ब्रेकफास्ट लिया, घर का ही ब्रेकफास्ट लिया है। फिर आपने लंच में सैलड को ऐड किया और खाना जो घर का बना हुआ था सिंपल सादा खाना खाया बिल्कुल, और शाम का खाना इन्होंने 7 बजे से पहले पहले फिनिश किया और उसमें भी सैलेड और हल्का घर का बना हुआ खाना खाया बिल्कुल। नॉनवेज इन्होंने बहुत कम कर दिया था और तेल से बनी हुई चीज़ें इन्होंने काजू खाने बंद कर दिए, बिल्कुल नहीं खाए, और ड्राई फ्रूट्स खाने बंद कर दिए, मतलब तेल को कम किया। तो 2 महीने में आप देखिए, सिर्फ 2 महीने में आपके सामने सबूत है, ये रिजल्ट्स मिल सकते हैं नियमित योग अभ्यास। और हाँ, वही मैं बोलने वाला था, और इसमें योगा का बहुत बड़ा वो है। हाँ, क्योंकि जब से कोविड वाला टाइम स्टार्ट हुआ था तो घर पे वर्क फ्रॉम होम वगैरह का चक्कर रहता था तो मूवमेंट कम थी, योगा करने लगा, मूवमेंट बढ़ी तो थोड़े पसीने निकले, थोड़ा मेहनत हुई तो सारी चीज़ें, वजन भी कम हुआ है आपका? वजन भी मेरा 4-4.5 किलो कम हुआ था। 4-4.5 किलो वजन कम करना, देखिए 4-4.5 किलो वजन कम हुआ, ट्राइग्लिसराइड इनका 300 से घटकर 94 हो गया है, कोलेस्ट्रॉल इनका 197 से घटकर 140 हो गया है। तो और क्या चाहिए दोस्तों? तो नियमित रूप से अपने दिनचर्या में योग को शामिल करिए, बिल्कुल शुद्ध खाना खाइए, है ना, घर का बना हुआ खाना खाइए, तेल का कम इस्तेमाल करें, और चीनी भी नुकसान देती है, चीनी मैदा से बनी हुई चीज़ें इन सबको मैंने छोड़ दिया। हाँ, इन सबको हमने बता दिया था कि मैदा से बनी हुई डब्बा बंद चीज़ें हैं ना, डब्बा बंद चीज़ें, कि डब्बा बंद चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है, ये सारी चीज़ें हमने मना की हुई थी, और उसका रिजल्ट्स इतने अच्छे आ सकते हैं। आप सभी लोग भी कौन सा योग करें उनकी वीडियोज़ हमने अपने चैनल पर पोस्ट की हुई हैं, और स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो पोस्ट की हुई है। रोज़ाना इस तरह से खाने को आप अपनाइए, अपना दिनचर्या को बदलिए, हेल्दी लाइफस्टाइल बनाइए, योग अभ्यास करिए, तो आप भी इन तरह की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों। अब अंत में आशु जी, आप भी कुछ अगर कहना चाहते हैं तो बोल दीजिए। नहीं, जो सर ने बताया ये बिल्कुल सत्य वचन है, और इसके अलावा बस जितना हो सके सादा खाना, कम खाना, और शाम को जल्दी खाना, प्लस योगा से होगा, योगा आप करते रहो, सारे लोगों को करना चाहिए। मैं भी पहले नहीं करता था, मुझे लगता था कि पता नहीं फ़ायदा होगा नहीं होगा, लेकिन अब मुझे दिख रहा है फ़ायदा, तो योगा तो बिल्कुल पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए, है ना। और हमने पिछले 3 साल की रिपोर्ट भी दिखाई है, ऐसा ही नहीं है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि आप वीडियो पोस्ट करते हो, हमें सबूत दिखाइए, तो आपके पास सबूत भी है, और आशु जी आए हैं, वो अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं सबूत के साथ। तो नियमित रूप से योग को अपने दिनचर्या में आप शामिल करें, और इससे आप बहुत लाभ उठा सकते हैं। तो आजकल तो बस इतना ही दोस्तों, अगर आप हमसे किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके उस टॉपिक पे हम वीडियो बना सकें। कोई क्वेश्चन होता है वो भी कमेंट में लिखिए, हम कोशिश करते हैं आपके क्वेश्चंस का आंसर्स करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।